नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लोगों से सवाल करते हैं बाबा राम रहीम जी के लिए, क्या वाक्य में ही समाज के लिए गुरु जी ने काम किए हैं? क्या है सच्चाई बाबा राम रहीम जी की? सीधी बात करते हैं लोगों से और जानते हैं रियल फैक्ट्स। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मशना वो है इंसा जी। आप मशना इंसा जी, आप क्या बताओगे बाबा राम रहीम जी क्या हैं, कैसे हैं वो? बाबा राम रहीम जी जो हैं उसका हम वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक जितना भी गुरु राम रहीम जी ने समाज के लिए करा वो कोई संस्था नहीं कर सकती। इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया कि हम लिख बोल कर नहीं बोल सकते उसको। अब जो चीज़ लिखने बोलने में नहीं आएगी तो उसका वर्णन कैसे किया जाएगा जी जी। तो इसलिए उन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया कि 133-134 मानव तक भलाई कार्य चल रहे हैं। कहाँ तक गिनवाए? ब्लड दान करना, वेश्याओं की शादी कराना, और जी विधवाओं को मकान देना, जो गरीब उससे है उनकी शादी कराना, तो कहाँ तक गिनती कराना है जी। बहुत कुछ करा सतगुरु ने। आज हमें अपने सतगुरु पर 100% विश्वास है और ऐसे ही हम विश्वास करते चलेंगे। जब हमने कदम आगे बढ़ा दिया सच्चाई के राह, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या मैडम जी रियल में काम किए जाते हैं जो बताए हैं आपने, क्या रियल में वो सोशल वर्क्स हैं वो होते हैं? हर टाइम साथ संगत ऐसे ही रियल में ही खड़ी रहती है। किसी भी टाइम ऐसा जो जैसा भी वो देखती हैं, कुछ भी ऐसा कार्य एकदम उस पर एक्शन लेती हैं। बहुत कुछ अपने उससे साथ संगत बढ़ती जा रही, वो पीछे नहीं हटेगी। इतना तो विश्वास अपने को है कि वो पीछे नहीं हटेगी। अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हुए वे फूल चढ़ाते हुए जा रहे हैं, जाते रहेंगे और हम भी उस पर चलते ही जाएंगे, पीछा नहीं हटेंगे। इतना कुछ जो दिखाया गया उनके बारे में, उसके बारे में क्या कहूँगा? वो क्या दिखाना है, वो तो वही पैसे का वो है, जिसे पैसा मिल जाता है वो उसका हो जाता है। आजकल भ्रष्टाचार की कोई कमी तो नहीं? भ्रष्टाचार इतना चला हुआ कि भ्रष्टाचार में ही सब कुछ समाप्त होता जा रहा। अपने देश को भ्रष्टाचार नहीं खो रखा? आप लोगों को जो डेरे के बारे में ही ऐसा क्यों दिखाया गया, क्यों गुरुजी के बारे में ही इस तरह से आप कह रहे हो गलत दिखाया गया, क्यों उन्हीं के बारे में? क्यों उनके बारे में? इसलिए जो बुराई के तत्व हैं, जैसा शराबी हैं, शराब माफिया, इन्हें हम दूर करने के लिए, हमारा सच्चा सौदा इनसे बहुत दूर है, पीछे है, पीछे करता जा रहा। आज भी वो चला हुआ है कि भाई नशा मुक्त कराओ, नशा छोड़ाओ, तो वे जो बुराई, अच्छाई से बुराई हमेशा चिढ़ती है, तो ऐसा ही है, बस उसी का वो है। क्या आज भी समाज को ज़रूरत है गुरुजी की? समाज को तो ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है। आज के जो युवा हैं, आने वाली तांति हमारी, वो फिर बुराइयों में डूबती जा रही। फिर इतने बच्चे 10-10 साल के बच्चों में पुड़िया, शराब, बीड़ी, सिगरेट, न जाने क्या 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 खाते पीते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से यही अपील करेंगे हम कि भाई अच्छाई को देखते हुए अपने सदगुरु पे हमें पूरा विश्वास है और उन्हें अपना रिहा कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लोग आपके सामने आकर रियल फैक्ट हैं जो डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का आपके सामने आकर रख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं देखा जो लगातार मीडिया के द्वारा सूत्रों के हवाले से दिखाया गया। आखिर इस तरह से क्यों किया गया, ये सवाल आपके लिए, जवाब जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।